नमस्कार बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट लेसन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सब लोग बहुत ध्यान से समझें, ठीक है? देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानने के लिए ये मैंने जो चीजें लिखी हैं बाद में देखेंगे, पहले 2 मिनट समझेंगे। होता क्या है, मैंने कहा था कि 12th के जो टॉपिक हैं, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन और दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों लेसन को मिला के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही छोटा लेसन है, मैं तो काफी डिटेल बताऊंगा, फिर भी काफी छोटा लेसन। इतना छोटा लेसन होने के बावजूद भी इससे 100% क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना है। अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेसन की बात करते, देखो हेल्थ शब्द आता है, हेल्थ से नाम से ही लगता है स्वास्थ्य की बात हो रही है। अगर हेल्थ की बात आती है तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा WHO। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO है। WHO ने क्या बात रखी? WHO ने बात रखी कि आखिरकार रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है शारीरिक रूप से देखा जाए, चाहे वो मानसिक रूप से देखा जाए या सामाजिक रूप से देखा जाए। मैंने क्या बोला, शारीरिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, हर तरीके से जो स्वस्थ होगा वही रिप्रोडक्टिवली स्वस्थ माना जाएगा। मतलब कि स्वस्थ बंदा कौन है, ऐसा नहीं है। आपसे मैं नॉर्मल सी बात करूं, एक बंदा है पूर्णता स्वस्थ है, सब कुछ सही है, पर उसका मानसिक विकास सही नहीं है। उसे अकल ही नहीं है कि समाज में किस तरीके से पेश आना है। जैसे किसी के यहाँ कोई मर गया, अब तुम वहां पे गए, पता चला हंसने में लगे हो, तो कैसा जाएगा? यहाँ कहीं हंसने का, सब लोग हंस रहे हैं, कोई से कोई हंसी का वो चल रहा है, पता चला आप दुखी बैठे हो, तो टेंशन के वजह से कहीं ना कहीं, अगर आप मानसिक, एक होता है ना सामाजिक ज्ञान का होना, कहाँ पे हमें क्या चीज कैसे रिप्रेजेंट करनी है। जैसे आप ही लोग हैं, आप बच्चे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने गार्जियंस के सामने रिप्रेजेंट होने का तरीका, भाई बहनों के सामने रिप्रेजेंट होने का तरीका, आपका अपने फ्रेंड सर्कल में रिप्रेजेंट होने का तरीका, आपका आपके टीचर के सामने रिप्रेजेंट होने का तरीका, सब जगह अलग अलग है कि नहीं है? टीचर से एक आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट होते हो, आप फ्रेंड सर्किल में अलग तरीके से रिप्रेजेंट होते हो, मम्मी पापा के सामने आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट होते हो, मतलब अपनी फैमिली मेंबर के सामने, तो हर चीज का एक अलग अलग पहलू है या नहीं है। तो आपका, आपको ये जो कहाँ पे क्या बात करनी, किस तरीके से बात करनी है, ये ज्ञान आपका ब्रेन आपको देता है कि नहीं देता? आप क्या हर जगह फ्रेंड सर्कल में जिस तरीके से बात करते हो वही गार्जियन से टीचर के सामने कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप भाई बहन के सामने भी उस तरीके से बात कर सकते हो? नहीं। कहीं ना कहीं हर चीज में एक अंतर है। तो इसी तरीके से तो हमें, अगर हम लोग बात करते हैं कि जो स्वास्थ्य है या रिप्रोडक्टिवली हेल्थ देखे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए शारीरिक मानसिक सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ होगा बंदा वही बंदा स्वस्थ माना जाएगा। और ये किसकी डेफिनेशन है? WHO। ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बस मैं बता रहा हूं कि सिंपल सी बात है यार, स्पर्म या एग का फॉर्मेशन सही हो रहा हो, पर जरूरी नहीं है। अगर वो मानसिक रूप से बुद्धू है तो क्या वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा? कहीं ना कहीं देखा जाए हर चीज जरूरी है, शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तभी आप स्वस्थ हैं। ये तो WHO ने बोला था। दूसरा पॉइंट है, एक टर्म है फैमिली प्लानिंग। आज आपको एक बात मालूम होगी, बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। देश के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जनसंख्या के बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने 1951 में सबसे पहले, पूरे विश्व में देखा जाए इंडिया ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की शुरुआत किसने की? इंडिया ने। विश्व में सबसे पहले 1951 में, 1951 में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत इंडिया ने की। कितना महान देश है इंडिया। आप देखिए, फैमिली प्लानिंग सबसे पहले इंडिया ने शुरुआत की, मगर फैमिली की अभी तक कोई प्लानिंग नहीं हो पाई है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकने के लिए सबसे पहले प्रयत्न इंडिया ने शुरू किया, मगर आज देख ही रहे हो पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर है, और चाइना का तो बंटवारा नहीं हुआ, इंडिया से तो पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गए, ये सब मिल जाए तो इंडिया तो चाइना से भी आगे है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये हमारे यहाँ के सिस्टम है जो नहीं मेंटेन कर पाए इन चीजों को, एक राजनीति की बात अलग है। फिलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, मैंने बोला फैमिली प्लानिंग जो शुरुआत हुई वो कब से शुरुआत हुई? 1951 से। अब फैमिली प्लानिंग का भी एक वो है, जैसे पहले कुछ समस्याएं होती थी, जल्दी एज में शादी हो जाती थी, बहुत सारी लड़कियां जो होती थी माँ बनते ही पता चला शरीर इतना डेवलप नहीं है,
ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, बच्चा मर जाता था, माँ भी मर जाती थी, बहुत सारी कंडीशन होती थी, इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिसीमिया की कंडीशन हो गई, कहीं कुछ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिनसे समस्याएं होती थी। आगे जाके हम लोग डिजीज डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी तो आप इतना जानो कि 1951 से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर दो तीन बातें तो जान ही लो कि आखिरकार फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है। एक तो दो बच्चों में लगभग 3 साल का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जब एक बच्चा ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद ही दूसरा बच्चा पैदा हो। इस तरीके से दो बच्चों में अंतर हो, कौन सी प्रेगनेंसी सही, मतलब कि उचित बच्चे का पैदा होना जरूरी नहीं है, क्या है क्या, जो भी समस्या है, समस्याओं को हटाना और अच्छाइयों को प्रेरित करना ही फैमिली प्लानिंग का एक नियम था। फिलहाल इतना जान सकते। बात यह आती है 19 फैमिली प्लानिंग सबसे पहले 1951 में, उसके बाद इसी फैमिली प्लानिंग का नाम हो गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977 में, 1977। मतलब कि सामाजिक रूप से फैमिली प्लानिंग, या सामाजिक रूप से देखा जाए सामाजिक स्तर पे सुधार होना, ठीक है ना, इस चीज को मतलब कि लोगों तक पहुंचाना, किस तरीके से हर प्रकार का सुधार हो, कैसे सुधार होगा। पहले तो कोई भी चीज थी कि नॉर्मल बात होगी कि फैमिली प्लानिंग शब्द हो गया, कैसे क्या कुछ ही बात है, मगर इनका प्रसार प्रसार कब बढ़ा, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो बना वो 1977 से। और इसके अंतर्गत आता है RCH प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम आता है? RCH प्रोग्राम आता है। RCH का फुल फॉर्म पूछा गया है PMT, बहुत अच्छे से याद रखना, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या है? रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, ये क्या है आपका RCHS का मतलब? RCHS का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब RCH प्रोग्राम का मतलब क्या है? नाम तो आप लोग समझ गए, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब कि कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि बच्चों की सुरक्षा और आपका रिप्रोडक्टिवली लोगों की भी सुरक्षा, किस तरीके से हर चीज सही हो। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम एक शब्द बोल रहे थे कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आखिरकार यार देखा जाए आज का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से हम लोग 50 साल पीछे चले जाते हैं, पहले का टाइम पीरियड है, या 40 साल पहले, 50 साल पहले चले जाते हैं, ऐसा नहीं, आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, पहले भी होते थे, पहले भी इतने बच्चे पैदा होते थे, आज से ज्यादा ही होते थे, परंतु आज पर पहले इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जनसंख्या पर, आज जनसंख्या बढ़ती जा रही। कभी क्वेश्चन आ जाए जनसंख्या बढ़ने का मेन कारण क्या है, आखिरकार ऐसा कौन सा कारण है जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, क्या रीजन है पॉपुलेशन बढ़ने का? तो आप देखो, पॉपुलेशन बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अशिक्षा ही हो गया, अशिक्षा एक रीजन हो गया। दूसरा है आपका, देखा जाए जैसे खान पीन में सुधार वगैरह है, डिजीज पे कंट्रोल कर लेना है, बीमारियों पे कंट्रोल कर लेना, इस तरीके से बहुत सारे कारण है जो पॉपुलेशन बनने का कारण। आप देख रहे हो गरीब गरीब लोग होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनके बच्चे ज्यादा ही होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके यहाँ बच्चे कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो सारी चीजें हैं पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन है, पर इनमें भी पूछा जाए सबसे मेन रीजन क्या है, आप कहोगे बीमारियों पे कंट्रोल कर लेना। क्या कहोगे? बीमारियों पे कंट्रोल कर लेना ही पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। आखिरकार कैसे बीमारियों को कंट्रोल कर लेना सबसे बड़ा कारण है, उसका रीजन ये है कि बीमारियां कंट्रोल हुई, बीमारियां जब कंट्रोल हुई तो लोगों की मरने की जो रेट थी वो कम हो गई। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग पैदा होते थे, महामारी फैलती थी, बहुत सारे लोग मरते थे, तो पॉपुलेशन पता चले एक बार एक महामारी आई, गांव के गांव साफ हो जाते थे, पर आज क्या है, आज ऐसा कुछ नहीं है, आज इलाज है, तो आज मरने वालों की रेट बहुत कम हो गई, इसलिए पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो RCH प्रोग्राम के अंतर्गत पहला क्या है, पहला मैंने पॉइंट लिखा है इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, मतलब कि लोगों के अंदर, अब यार RCH प्रोग्राम चल रहा है तो लोगों में जागरूकता पैदा करना, क्या है जागरूकता, रिप्रोडक्शन प्रजनन से संबंधित, लोगों में रिप्रोडक्शन से संबंधित जागरूकता पैदा करना, कि यही सारी बातें कि साफ सफाई से रहो, क्योंकि बहुत सारी पहले हाइजेनिक कंडीशन नहीं होती थी, साफ सफाई से नहीं अगर है तो इन्फेक्शन फैल गया, बहुत सारे माएं ऐसी ही मर जाती थी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलने से। आज उन सब चीजों पे कंट्रोल है, तो लोगों में रिप्रोडक्शन के प्रति आपका क्या है अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना, कि दो बच्चों में अंतर, दो बच्चों से ज्यादा बच्चे ना हो, इस तरीके के बहुत सारी बातें हैं जो रखना, जिससे कि आप खान, जैसे सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे होंगे, आप उतना अच्छा न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं दे पाओगे, जिसके यहाँ कम बच्चे होते हैं वो अच्छे से केयर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ STD एंड ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाँ, STD का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना कि सेक्स के द्वारा सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज क्या होती है, उनसे क्या नुकसान है, क्या फायदे, अगर आपको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलिए, इलाज कराइए, ये सारी। और ग्रोथ ऑफ
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस एज पे किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, टेस्टिस में कब स्पर्म बनना, क्या ओवरी में कब एग, मतलब इस तरीके की जागरूकताओं के बारे में बताना लोगों को। उसके बाद है बर्थ कंट्रोल स्लोगन, बच्चों को कि दो बच्चे, जैसे बात आती है कभी कभी ट्रैक बस वगैरह में हमने देखा था, छोटे में देखते थे लिखा रहता था बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, इस तरीके के स्लोगन दिए गए, नारे दिए गए, बच्चे दो ही अच्छे, इस तरीके से ये बहुत सारे नारे दिए गए हैं। मैंने क्या बोला, बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, बहुत सारे थे, मैंने एक दो बस बोल दिए, ठीक है ना, आप भी कोई स्लोगन बना सकते हो। उसके बाद देखो बर्थ कंट्रोल सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि जानकारी हो, जैसे कहा जाता है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दी जाए, बच्चों को समझाए, मतलब कि इससे होने वाली हानियां या अच्छाइयां जो भी बातें हैं जानकारी होगी तो लोग जागरूक रहेंगे और सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज से भी बचेंगे और भी सारी सुरक्षाएं मिलेंगी। मेरा मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन मिलती है तो कहीं ना कहीं एक शादी की एज कितनी होनी, जैसे आज एक शादी की एज बनाई गई है लड़कियों की एज 18 साल और लड़कों की 21, इसके पहले अगर शादी होती तो करता है कोई गार्जियस तो क्राइम माना जाता। पहले क्या होता था, छोटे में ही शादी कर देते थे, वो बहुत हानिकारक होती थी, बहुत सारा मोर्टेलिटी रेट, मदर की मोर्टेलिटी रेट का बहुत बड़ा कारण ये भी था जल्दी शादी करते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एडिक्शन, सेक्स रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि सेक्स रिलेटेड जो बीमारी उनसे, अभी यार सिंपल सी बात है, जब सेक्स एजुकेशन दी जाएगी तो लोगों में जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी तो कोई दिक्कत होगी तो वो हॉस्पिटल जाएंगे या आपका घर पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या उनका इलाज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है तो लोग इसमें संकोच, मतलब कि संकुचन मानसिकता के हो जाते थे, बताते नहीं थे कोई प्रॉब्लम हो गई, इसमें अपने आप को घुटते रहते थे और इससे भी बहुत सारी समस्याएं होती थी, तो कहीं ना कहीं टाइम पे अगर उन्हें कोई बीमारी है तो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये लगभग सेम ही पॉइंट हो गया, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसकी इन्फॉर्मेशन, तो जब आप डिस्कस करोगे तो सिंपल सी बात है उसका हल निकलेगा। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो नॉर्मल पॉइंट थे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मैंने जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो रिप्रोडक्शन में मैंने एमनियो जो चार लेयर होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो आपसे डिस्कस की थी। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। एमनियोटिक जैसे पहले क्या होता था कि यार देखा जाए बहुत सारे बच्चे पता चला जन्म हुआ तो बीमारी के साथ ही, अब यार जो बच्चा एकदम बीमार है कोई सिंड्रोम हो गया उसे तो वो ऑलरेडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, तो ऐसे बच्चों अगर ऐसे बच्चों का पहले ही से सुधार कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या होता था, इंजेक्शन के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, उसको चेक किया जाता है कि उसको चेक करके देखा जाता है कि अगर गलती से भी वहां पे, बात समझ आना, मैंने कहा एमनियोसेंटेसिस ये सब पॉइंट ध्यान से देखिए। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया गया, एमनियोटिक फ्लूइड को लेके चेक करते हैं कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, अगर कोई बीमारी है कुछ भी है तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश जो भी है तो सुधार, अगर सुधार नहीं हो सके तो क्या उसको फीटर जो भ्रूण है उसको डैमेज कर दिया जाए, जिससे कि ये सिंपल सी बात है जन्म लेने के बाद भी ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसलिए उसको डैमेज। फिलहाल बात आती है कि इसका फायदा डॉक्टर्स ने या साइंटिस्ट ने तो एमनियोसेंटेसिस फायदे के लिए बनाया, पर लोगों ने इसका गलत यूज किया, गलत यूज किया, क्या किया, आज जो लोग चाहते कि बारिश होना चाहिए भले ही घर में कुछ हो या ना हो, बारिश को देने के लिए लड़का जरूर हो, लड़का जरूर हो, इस चक्कर में होता क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों ने भ्रूण का या माँ के पेट में जो पल रहा है बच्चा लड़का है कि लड़की इसका पता किया, अगर लड़की होती थी तो लड़कियों को मरवा देते थे, बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए एमनियोसेंटेसिस पे रोक हो गई बिना गवर्नमेंट या इस गवर्नमेंट के इजाजत के, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, एक क्राइम बन गया है, तो इन बातों को ध्यान देना। अब हम इसकी डिटेल आगे डिस्कस करेंगे, ये तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी बच्चों, ओके।